सो हे लेजेंड्स, वेलकम बैक। एंड आज मैं आपको देख रहा हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के टॉप 5 पीवी पैक जो कि माइनक्राफ्ट 1.19 के अंदर वर्क करते हैं। हाँ, ये सारे ऐसे कैसे कोई पीवी पैक्स नहीं है, ये सारे के सारे मैंने ट्राई भी कर रखे हैं एंड इनके अंदर काफ़ी सारी शानदार शानदार चीज़ें भी है। सो लेट्स बिगिन। एंड आप लोग बता दूँ, ये सबसे बेस्ट शेडर है एंड मैंने इसलिए इसको सबसे पहले रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एंड इसके अपन को डायमंड की सारी चीज़ें एकदम ग्रीन कलर में देखने को मिलती है एंड अपन को एक पिंक कलर देखने को मिलता है। एंड आप लोग गाइस FAC चेंजर तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वाला पैक जो है एकदम ही ऑप्टिमाइज रहता है लो एंड डिवाइसेस के लिए एंड ये वाले आपकी FPS को ज़रूर से बूस्ट भी कर देगा। मेरे को भी कुछ 15-16 FPS का बूस्ट मिला था इससे। एंड यहाँ पर आप लोग इसके आइटम्स देख सकते हो कितने ज़्यादा यूनिक लगते हैं। एंड यहाँ पर आर्मर तो मतलब सबसे ज़्यादा स्पेशल है इसके। एंड यहाँ पर मैं आपको इसका हेड इफेक्ट दिखा देता हूँ जो कि आप लोग देख सकते हो, आपको एकदम ब्लैक हार्ट्स देखने को मिलता है। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, एक और भी लेजर की बड़ी चलानी पड़ेगी तो आप लोग देख सकते हो इसके पार्टिकल्स कितने तगड़े हैं। एंड मेरे को मजा आया तो एक और को मारते हैं। लेजर मार लिया है ना, चलते अपने ओर्स की तरफ। तो अपन को ओर्स यहाँ पर ऐसे देखने पड़ते हैं जिससे कि अपने FPS इंक्रीज हो जाते हैं जो कि काफ़ी सही बात है। एंड वैसे ओर्स को कोई इतने ढंग से देखता भी नहीं है। एंड यहाँ पर अपन को लो फायर भी देखने को मिलती है, मतलब आपकी पूरी पूरी स्क्रीन फायर के अंदर कवर नहीं हो जाती है। एंड यहाँ पे अपन को हॉट पर करना देखने को मिलता है YU Hacks जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यंग है। एंड अभी अपने यहाँ पर चल के देखते हो आपको एकदम अजीब सी साउंड आ रही होगी जो कि माइनक्राफ्ट से तुरंत ही अलग है। एंड अगर आप लोग कुछ भी करोगे तो उसके अंदर आपको अलग सी साउंड आएगी। एंड हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैं एक बार अपने गेम को सर्वाइवल कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप लोग देखो एक बार, यहाँ पर उनका ब्रेकिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा बढ़िया, एकदम ही पोकी बॉल जैसा लगता है ये। और अब अपन चलते हैं अपने स्काई को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बार स्काई वाले बटन को दबा देता हूँ एंड लेट्स गो। तो आप लोग देखो यहाँ का स्काई कितना ज़्यादा तगड़ा लगता है ये वाला। इतना ज़्यादा भी नहीं है जैसे कि दूसरे शेडर पैक्स के अंदर, मतलब एकदम एवरेज स्काई है इसका, बट फिर भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब अपन चलते हैं अपने पीवी पैक नंबर 2 की ओर। तो नंबर 2 पे जो शेडर रहता है उसका नाम है बैड बॉस वर्जन 32.zip। सॉरी, मैंने जिप बोल दिया, इसे बैड बॉस वर्जन 32। और इसलिए भी के अंदर अपन को कुछ ऐसे आइटम देखने को मिलते हैं। एंड हाँ, जब तक मैंने आईफोन में पैटेक डाउनलोड नहीं किया था तब तक ये वाला शेडर लिटरली मेरा एकदम फेवरेट था। शेडर की बोले बार बार पीवी बैग एकदम फेवरेट था मेरा। एंड यहाँ से अपन इसके कपड़े को छुरा लेते हैं। एंड इस वाले वीपे के अंदर अपन को एकदम नॉर्मल आउट्स देखने को मिलते हैं। एंड हाँ, ये थोड़ी बहुत फेसफुल टेक्सचर पैक वाली भी एकदम वाइब दे देता है। एंड अपन यहाँ पर इसके पार्टिकल्स को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, ढंग से करता हूँ मैं। एंड यहाँ पर लोग देख सकते हो इसके पार्टिकल्स जो कि कुछ ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। एंड ये है इसका स्काई, बट एक और फीचर है इस वाले पीवी पैक के अंदर जो कि मैं अभी आपको सेटिंग्स के अंदर चल के दिखाता हूँ। और उससे पहले हाँ, इसके अंदर लो फायर भी है। तो यहाँ पर अपन बात रहे हैं जहाँ से आप लोग शेडर को एक्टिवेट करते हैं वहाँ पर आपको एक सेटिंग्स आइकन दिख रहा होगा। एंड यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा स्काई चाहिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है जो कि अपन को किसी पीवी पैक के अंदर नहीं मिलता, बट इसका नाम मिलता है। और इसके साथ अपन चलते अपने थर्ड पीवी पैक की, और जिसका नाम है पिंक स्टैलिक 16X। अगर नाम ही पिंक स्टैलिक है तो अपन को ज़्यादा चीज़ें पिंक ही देखने को मिलती है, जैसे कि अपन को डायमंड आर्मर पिंक देखने को मिलता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड की सारी चीज़ें अपन को पिंक देखने को मिलती है। एंड पता नहीं क्यों इस वाले पीवी पैक के अंदर अपन को लो फायर देखने को नहीं मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनोइंग चीज़ है, बट इसके अंदर अपन को स्वॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा छोटी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है। एंड एंडर में अपन को पिंक देखने को मिलती है जो कि इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर गोल्डन एप्पल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं किया गया है, बस एंचेंटेड के अंदर अपन को पिंक चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर अपन लोग ओर्स देखें तो अपन को पुराने वाले माइनक्राफ्ट याद आ जाती है। एंड यहाँ पर अपन को डायमंड पिंक देखने को मिलता है। एंड पार्टिकल्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, बट अभी अपन चलते हैं स्काई देखने। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था एकदम ही पिंक स्काई होगा, बट इसका स्काई लिटरली इतना ज़्यादा ओपी है। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ये डार्क ब्लू है, मुझे तो ये वाला स्काई सबसे ज़्यादा फेवरेट लगा। नंबर 4 पे अपने देखने को मिलता है एक यूट्यूबर के द्वारा बनाया गया एक पीवी पैक जिसका नाम है PATARHD पीवी पैक। मैं उनका नाम नहीं लगाया क्योंकि मुझे सही से प्रोनाउंसिएशन करने आता नहीं है, बट हाँ, इसके अंदर ये कंट्रोल थोड़े से ग्लिच हो चुके हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर, बट अगर आप लोग कीबोर्ड एंड माउस साथ खेलोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बट अगर आप लोग फिर भी इसी वाले पीवी पैक के अंदर खेलना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो इनविजिबल कंट्रोल्स फॉर MCPE, वो आपको मेरे किसी पुराने वीडियो के अंदर मिल जाएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोटो, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। एंड ये रहे अपने सारे के सारे आर्मर। एंड यहाँ पर भी अपन को टूल्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहे हैं। और टूल्स के साथ साथ अपन को फूड आइटम्स के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपन को एकदम अलग ही एप्पल देखने को मिलता है जो कि ब्लू है, पता नहीं इसके अंदर जहर तो नहीं डल चुका है। एंड यहाँ पर अपने पीवी करने वाले आइटम्स जिसमें अपन को मेनली ब्लू कलर ही देखने को मिलता है। तो ओर्स भी कुछ ऐसे हैं जो अपन को फेथफुल टेक्सचर की याद दिलाते हैं, बट इनके अंदर आउटलाइन भी है। और जैसे कि पूरे पैक की थीम ब्लू है तो अपन को यहाँ पर डैमेज भी ब्लू कलर का देखने को मिलता है। एंड इसमें मैं एकदम पूरी लो तो नहीं कह सकता, इसमें अपन को एकदम मीडियम फायर देखने को मिलती है। और इसी के साथ पहुंच चुके हैं अपन एकदम अपने लास्ट शेडर के ऊपर जिसका नाम है राइस फॉल 16X। एंड ये वाला शेडर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड इसके अंदर अपन को UI के चेंज देखने को भी मिलते हैं। एंड हाँ, UI के चेंज तो अपन को हर पीवी टेक्सचर पैक के अंदर देखने को मिलते हैं, बट मैंने उनको इंक्लूड नहीं करा क्योंकि काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं वो लोग।
एंड यहाँ पर अपना वर्ल्ड बस लोड होने वाला है। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अपन को चिकन लेग पीस की जगह गाजर देखने को मिलता है, एकदम ही वेजिटेरियन व्यवहार करा गया है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर हर चीज के ग्राफिक्स को थोड़ा सा लो कर देगा एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देगा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो। एंड अगर आप लोग इस वाले वीवी टेक्स्ट पैक को यूज करोगे तो नॉर्मली इससे आपके काफी ज्यादा FPS आने वाला है, क्योंकि मेरे भी इससे काफी ज्यादा FPS आए थे जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके सारे के सारे अलग अलग टूल्स, साथ ही में अपन को चेस्ट के अंदर ट्रांसपेरेंट आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी सबके अंदर एकदम ही बेसिक चेंजेस ही करे गए हैं। पार्टिकल्स आपको कुछ ऐसे राउंड देखने को मिल जाते हैं एंड ये रहा इसका स्काई जो कि लिटरली काफी ज्यादा ओपी है। व्हील्स के अंदर अपन को कोई कलर देखने को नहीं मिलता, अपन को एकदम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो वीवी पैक्स के लिए बस इतना ही। एंड हम लोग देख लेते हैं इनको इंपोर्ट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है एंड डाउनलोड कैसे करना है। तो इस अप्लाई करने का प्रोसेस तो एकदम सिंपल है, बस आपको इनके ऊपर टैप करना है एंड देन गाइस आप लोगों को व्यू वाले बटन के ऊपर दबा देना है, आप लोग माइनक्राफ्ट के अंदर टेलीपोर्ट हो जाओगे। एंड डाउनलोड प्रोसेस हर बार की तरह सेम है, बस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना है, वहाँ पर आपको एक मिलेगी वीडियो की लिंक जिसका नाम है ट्यूटोरियल वीडियो, आपको उस वीडियो को पूरा देख लेना है। एंड हाँ, बस आपको उसे सिर्फ एक बार देख लेना है, आप लोग सारे के सारे आइटम्स को एक ही बार में एक्सेस कर पाओगे।